नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Smart 6 HD वर्सेस Xiaomi Redmi A1 Plus का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Smart 6 HD में 6.51 इंच जबकि Redmi A1 Plus में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Smart 6 HD से कम है। विड्थ की बात करें तो Smart 6 HD में 3.01 इंच जबकि Redmi A1 Plus में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Smart 6 HD में TFT जबकि Redmi A1 Plus में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Smart 6 HD में 20:5:9 जबकि Redmi A1 Plus में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Smart 6 HD में 6.6 इंचेस जबकि Redmi A1 Plus में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Smart 6 HD में 83.23% जबकि Redmi A1 Plus में 81.15% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Smart 6 HD में 266 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi A1 Plus में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Smart 6 HD में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Redmi A1 Plus की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में QVGA देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Smart 6 HD में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और Redmi A1 Plus की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8300 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Smart 6 HD में Android V11 जबकि Redmi A1 Plus में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Smart 6 HD 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 6999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Redmi A1 Plus की तो वो 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 6999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Smart 6 HD में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi A1 Plus की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi A1 Plus आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें
टेक्नो पॉप 6 प्रो है, दूसरा पोको C31 है, तीसरा मोटो E22S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी C30 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।